हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मनवीर सिंह। आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी अपने कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आपको आपके पास बेरेक्ट होना चाहिए और आप अपनी कॉपी के साथ रेडी रहिए। तो सबसे पहले अपने सिलेबस क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं, फिर अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो प्लीज़ अपना बेरेक्ट रेडी रखिए आप। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर कवरिंग इन द अपकमिंग वीडियोज, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है कि कहाँ से अपने कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और कब कब कर रहे हैं, सीक्वेंस क्या होगा। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? देन वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चीज़ है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस एंड द कन्वेंशन विच आर फॉलोड, what is spirit of constitution, how to interpret constitution। तो ये अपना first topic रहेगा इन video lectures में। second topic होगा अपना features of constitution, constitution के क्या क्या features हैं। तो third बड़ा topic अपने start करेंगे वो होगा amendment of constitution, और उसी के साथ अपने cover करेंगे concept of basic structure। फिर अपने आएंगे जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल राइट्स के बीच में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में, और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। अपना फिफ्थ टॉपिक होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद अपने आर्टिकल 25-30 जो कवर करता है सेकुलरिज्म वो करेंगे। सेवन टॉपिक होगा अपना सोशल जस्टिस, आर्टिकल 14-16। एट टॉपिक होगा डेमोक्रेसी, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A रेड विद क्लॉज सी होगा। नाइन टॉपिक होगा पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, आर्टिकल 20, 21, 22 यहीं पे कवर हो गए। यहाँ पे 21 लिखना भूल गए तो मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ आर्टिकल 21। ऑलराइट, फिर टुवर्ड्स द एंड अपने आर्टिकल 12, 13, 32 रिट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म ये सब करेंगे। तो आप प्लीज़ ये सिलेबस नोट कर लीजिए। ये जो PDF है ना, इसकी ये आई ऑल्सो अनेक्स कर दूंगा मैं वीडियो के साथ, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। और पर स्पेशली आप इसकी हेल्प तो ले सकते हैं पढ़ने में, पर प्लीज़ नोट्स हैंड रिटन खुद के बनाइए, वो बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फंक्शंस क्या हैं, सोसाइटी में इसका रोल क्या है। तो दुनिया की लगभग सभी कंट्रीज़ में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो उस डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है, और जो ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है, और जो बाकी के लॉज होते हैं ना वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी को ध्यान में रखते बनाए जाते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही दूसरे लॉज बनाए जाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका क्या फ्रेमवर्क रहेगा, उनके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या है, ये डिक्लेयर करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है ना, वो कौन से प्रिंसिपल्स से के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बेसिकली क्या इनकॉर्पोरेट करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स और रूल और गवर्नेंस, ऑन द बेसिस ऑफ विच अ वेल रेगुलेटेड सोसाइटी कैन बी क्रिएटेड।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसेंशियल प्रिंसिपल्स और रूल और गवर्नेंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आप पीडीएफ पे देखिए प्लीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक पेरेंट डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ पेरेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर की इसेंशियल प्रिंसिपल्स होंगे और फिलॉसफी होगी। इस इन्हीं इसेंशियल प्रिंसिपल और फिलॉसफी के एक इंडियन सोसाइटी इन्हीं इसेंशियल प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी पे बेस्ड होगी। एडिशनली ये देश के, नेशन के क्या गोल्स और एस्पिरेशंस होंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इसेंशियल प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडियन सोसाइटी विल बी बेस्ड, ऑल्सो इसेंशियल गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। इसेंशियल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इसेंशियल प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी बताता है जिस पे सोसाइटी बेस्ड होगी, और एडिशनली ये गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशंस भी देता है। क्या गोल्स और एस्पिरेशंस होके जो अचीव होंगे, इनके बेसिस पे वी गेट रूल्स ऑफ गवर्नेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिफाइंड किया जा सकता है। पार्ट ए में होगा फंडामेंटल्स और पार्ट बी होगा गवर्नेंस। अब फंडामेंटल्स क्या होंगे? फंडामेंटल्स वो है जो बेसिक प्रिंसिपल जिस ऑन द बेसिस ऑफ विच आर सोसाइटी विल बी बेस्ड, तो वो होंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स जैसे रूल ऑफ लॉ, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस, सेकुलरिज्म, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सोशल जस्टिस, इक्विटी, जेंडर इक्वेलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके अंदर फंडामेंटल्स होंगे। फंडामेंटल्स जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अपनी सोसाइटी बेस्ड होगी। वो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? रूल ऑफ लॉ, कोई भी, नोबडी इज अबव लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरीली नहीं किया जा सकता। जेंडर इक्वेलिटी, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स फर्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बताए जाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हालांकि ये जो लिस्ट बताई गई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, पर ये जो लिस्ट है ना ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको समराइज किया गया है प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कोर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको समराइज किया गया है प्राइमरीली इन प्रीएम्बल। अब दूसरा पार्ट है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो गवर्नेंस में क्या होगा? जैसे फेडरलिज्म, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, लेजिस्लेचर के क्या रिलेशंस होंगे, एग्जीक्यूटिव क्या रिलेशंस होंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होंगे, और दूसरा देयर वुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। जो तीनों ऑर्गन्स हैं ना गवर्नमेंट के, तीन ऑर्गन्स गवर्नमेंट के कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट, जो कि लॉ बनाता है, बिल्स ड्राफ्ट करता है। दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस लेता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा पार्ट हो जाता है जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कि इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड डिसीजंस लेता है। तो सेकंड पार्ट डील करता है गवर्नेंस से। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बल्कि है और सारा लिखा हुआ है, स्टिल इसके अंदर कुछ गैप्स हैं। फॉर
फिलिंग दोज गैप्स हमें रिजॉर्ट करना पड़ता है जजमेंट्स में, प्रैक्टिसेस को, कन्वेंशंस को. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं जहाँ पे वो कंप्लीटली डील नहीं करते, जो जुडिशियल डिसीजंस और प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस हेल्प करती हैं. अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो 124 कहता है देयर शैल बी अ चीफ जस्टिस, पर चीफ जस्टिस कौन होगा, उसका प्रोसीजर फॉर सेलेक्शन क्या है, इस पर कंप्लीटली साइलेंट है. तो इस अब चीफ जस्टिस तो होंगे, कौन होगा इसे तय करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया, एक कन्वेंशन बनाई गई, एक प्रैक्टिस बनाई गई कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा ना, जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो CJI बनेंगे. तो ये कन्वेंशन, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इस पर ये प्रैक्टिस कन्वेंशन से ऐसा डिसाइड किया गया. बट एक एक्सेप्शन है, 1973 में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, सीनियर मोस्ट जज को CJI नहीं बनाया गया, नेक्स्ट इन लाइन को बना दिया गया. तो फिर एक 3 जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को डील किया और नाउ दिस कंट्रोवर्सी इज सेटल्ड. उसको अपने लेटर ऑन डील करेंगे वो तीनों जजमेंट्स को. सो आर्टिकल 124, एक और एग्जांपल है, जैसे सेक्शन 201 कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो गवर्नर के पास 201 में पावर है कि वो कुछ बिल्स को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पर ये कोई भी गाइडलाइंस हैं व्हाट काइंड ऑफ बिल्स ही कैन रिजर्व, इस पर कुछ भी नहीं बताया गया. और वी मस्ट अप्रिशिएट इट दैट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब सपोजली मानिए सेंटर में एक अलग पार्टी की सरकार है, स्टेट में एक अलग पार्टी की सरकार है, तो इस प्रोविजन का मिसयूज हो सकता है. गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट कुछ बिल भेज देगा, वो स्टक हो जाएंगे, पास नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा. तो इस केस में एक कन्वेंशन या प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स. तो ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूशन में गैप्स हैं जिनकी टेक केयर प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस करते हैं. एक और एग्जांपल के लिए देखिए, सपोजिडली लोकसभा इलेक्शंस हुए और कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाई, इसका मतलब 50% से ज़्यादा सीट्स नहीं ले पाई, तो इस केस में प्रेजिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कह सकते हैं. पर ये मैनर ऑफ दिस, हाउ द प्रेसिडेंट इज विल बी गोइंग टू एक्सरसाइज दिस पावर, इस पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, किसको पहले बुलाना चाहिए या सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उनको बुलाना चाहिए, इस पे कोई गाइडलाइंस नहीं है. तो हेल्ड किया गया था अभी ये डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरली नहीं एक्सरसाइज की जा सकती, जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके देखते हुए ही ये पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए. अब जैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जैसे 201 में भी आप प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल रख सकते हो या अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस. तो इन केसेस में कई बार क्या हो सकता है, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन के चांसेस आ सकते हैं. तो इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस, जिसको अपने कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड, पॉजिटिव मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी फॉलोड,
अब इसका क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफीज हैं, जैसे क्या है जो अपनों ने ऊपर सारे देखे थे, जैसे भी रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नोबडी इज अबव लॉ, कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी नहीं होगा। पर कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई होती हैं और कोई एक्सप्रेस गाइडलाइंस भी नहीं होती, तो उन केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं ना, शुड एक्ट विद इन द एसेंशियल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको देखते हुए ही उन्हें एक्शन लेना चाहिए। अब बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2001 की जजमेंट है, बी आर कपूर वर्सेस 2001 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, तमिलनाडु में इलेक्शंस हो रहे थे एंड जयललिता वॉज चीफ ऑफ AIDMK पार्टी की चीफ थी वो। तो AIDMK पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कर रखा था भी जयललिता, इफ़ वी विन जयललिता वुड बी CM। अब इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले मीनवाइल जयललिता की कन्विक्शन हो जाती है करप्शन चार्जेस पे, बट शी वॉज अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एज हर कन्विक्शन वॉज सस्पेंडेड टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय द अपलेट कोर्ट। उनकी कन्विक्शन पे सस्पेंशन मिल जाता है, AIDMK पार्टी इलेक्शंस जीत जाती हैं, गवर्नर जयललिता को CM बनने के लिए मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कॉल करते हैं। अब ये जो कॉल करने की पावर है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। तो यहाँ पे एक कंटेंशन रेज की गई थी कि जो गवर्नर है ना, उनको अपनी ये डिस्क्रिशन अच्छे से यूटिलाइज करनी चाहिए थी और उन्हें कोई और अनटेंटेड आदमी जो कि AIDMK पार्टी से ही है, उन्हें CM बनने के लिए बुलाना चाहिए था। अब जयललिता इस पे कंटेंड करती हैं, अभी लोगों ने उनका नाम मैनिफेस्टो में ही था और लोगों ने उन्हें वोट डाली है, उन्हें ही CM बनने देना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्ड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कौन है, गवर्नर है, तो इनको हेल्दी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी चाहिए। जहाँ पे भी अनगाइडेड पावर्स हैं, डिस्क्रिशंस दी गई है, यहाँ पे ये ब्रॉड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इन्हें काम करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट कहता है गवर्नर शुड हैव एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग सम अनदर पर्सन अनटेंटेड मेंबर ऑफ द AIDMK। कोई भी AIDMK का अनटेंटेड मेंबर को मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए बुला लेना चाहिए था। कोर्ट ने हेल्ड किया भी हेल्दी प्रैक्टिसेस डेवलप की जानी चाहिए जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के पास अनगाइडेड या डिस्क्रिशंस हैं। अब सवाल आता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी? समटाइम्स द वर्ड यूज इंट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स, तो ये क्या चीज है? द करैक्टरिस्टिक ऑफ सम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इंडिविजुअल एक्शन, वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई लेजिस्लेटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर वैलिड है तो उसको कहा जाता है इंट्रावायर्स, और अगर वो इनवैलिड है, किसके अकॉर्डिंग, इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अल्ट्रावायर्स कहा जाता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, इम्पॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में? तो सबसे बड़ी रोल कॉन्स्टिट्यूशन का है कि ये रेगुलेट करता है सोसाइटी को, गवर्न करने में हेल्प करता है सोसाइटी में, और ये ले डाउन करता है अल्टीमेट गोल्स और पर्पस जिसके बेसिस पे सोसाइटी गवर्न की जाएगी। क्या गोल्स हैं, क्या पर्पस हैं? अब ग्रैंड नॉर्म्स हैं, जैसे ग्रैंड नॉर्म क्या होता है,
अल्टीमेट नॉर्म है सोसाइटी का, जिसके नीचे डेरोगेशन अलाउड नहीं है। ग्रैंड नॉर्म इज द अल्टीमेट नॉर्म इन द सोसाइटी बिलो विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड। इससे नीचे कोई डेरोगेशन परमिटेड नहीं है। अब कैल्सन की थ्योरी है ग्रैंड नॉर्म की, तो कैल्सन कहते हैं भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी में जो कि पर से एग्जिस्ट करते हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो पर से कुछ प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी में जो पर से एग्जिस्ट करते हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया, और इन बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्रिएट नहीं किया जाता, बट दीज आर मेयरली डिक्लेयर्ड बिकॉज दीज पर से एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। अब जैसे सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, डिग्निटी है, सेकुलरिज्म है, सो इनसे डेरोगेशन इनका डेरोगेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है सोशल जस्टिस के, इक्वालिटी के, डिग्निटी के, तो दीज वर ऑल पिक्ड अप एंड इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द ग्रैंड नॉर्म्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन इनको वायलेट नहीं कर सकता। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कोई बाहर से नहीं बनाया गया, ये सोसाइटी से ही आया है, ये सोसाइटी का मिरर इमेज है। वॉट एवर एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी हैज़ बीन चूजन एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड आर सेम एज द प्रिंसिपल्स ऑन विच आर सोसाइटी इज बेस्ड। These two are mirror images of each other. अब society dynamic है, change होती रहती है, इसलिए constitution भी evolve होता रहता है। पर जो essence of constitution, जो constitution का core है ना, तो ये कभी lost नहीं होता, ये intact रहता है। जो essential principles हैं ये हमेशा binding रहते हैं। अब constitution evolve कैसे होता है? तो constitution evolve होता है amendment से, प्रैक्टिसेस और कन्वेंशन से, और जुडिशियल डिसीजन से। जब भी कोई जुडिशियल डिसीजन आएगा उससे कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होगा। कोई प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस इनकलकेट की गई है वो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है उनसे होगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो किया जाएगा। अब जैसे जो लिबरल रूल होते हैं, जो स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, तो उनमें बेसिकली पर्पसिव इंटरप्रिटेशन और मिसचीफ इंटरप्रिटेशन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। और जो लिटरल होता है, मतलब वर्ड टू वर्ड टेक्स्टुअल, ये नैरो इंटरप्रिटेशन है। तो कोर्ट्स कहती हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेयर एवर देयर आर सेवरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ प्रोविजन पॉसिबल, एक प्रोविजन की काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं और ये क्लियर नहीं है अभी कौन सी इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाए, तो लार्जर पर्पस हैज़ टू बी सीन, लार्जर पर्पस ऑफ दैट प्रोविजन हैज़ टू बी सीन। उस प्रोविजन का पर्पस क्या है ये देखना जाना चाहिए, लार्जर पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, और वो इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी चाहिए जो सब पर्पस सबसे अच्छे तरीके से करता है। दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड विच सब पर्पस टू द बेस्ट। सो इन आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड विच फर्दर्स द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंटरप्रिटेशन फॉलो की जानी चाहिए जो पर्पस सॉल्व करे और जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको आगे लेके जाए। अब जो मिसचीफ रूल है, मिसचीफ रूल कहता है भी हर लॉ का, हर प्रोविजन एक लॉ का, उसका एक पर्पस होता है भी, वो एक मिसचीफ को दूर करता है इन द सोसाइटी, है ना।
मिसचीफ रूल कहता है, हर प्रोविजन का एक पर्पज़ होता है कि वो कोई मिसचीफ दूर करता है, तो वो इंटरप्रिटेशन फॉलो की जानी चाहिए जो मिसचीफ सबसे अच्छे तरीके से हटाए। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। तो दिस फिलॉसफी सेज दैट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कैन नॉट बी वायलेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है ना, वो वायलेट नहीं की जा सकती बाई एनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इंडिविजुअल एक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इसकी आइडेंटिटी वायलेट नहीं की जा सकती। सेकेंड इज आइडिया दैट सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। इट इज़ एन आइडिया ऑफ फिलॉसफी दैट इट इज़ पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड स्टेबलाइज द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एसेंशियल प्रिंसिपल्स। एसेंशियल प्रिंसिपल्स कौन से? वही जो ऊपर पढ़े थे, विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो ये एक फिलॉसफी है दैट आइडिया कैन बी, सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अब जो ये आइडिया था ना, दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सुप्रीम, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में हेल्ड किया गया था the idea of constitution being supreme was held in the case of M. Nagaraj versus Union of India, Supreme Court की judgment थी 2006 की। तो इसमें held किया गया था कि constitution has its own identity, the basic values और principles हैं जो ना constitution के, जो basic values हैं constitution की और जो principles हैं constitution के, these are essential spirit of the constitution। और यही स्पिरिट ऑफ द यही प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करते हैं एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस आइडेंटिटी इन नो सरकमस्टांसेस एनी डेरोगेशन इज परमिटेड, कोई भी डेरोगेशन परमिटेड नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फिलॉसफी दैट द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी cannot be violated by any legislative executive action। और कोर्ट ने इसी जजमेंट में हेल्ड किया था that courts are not bound by the letters, मतलब courts bound letters of constitution से नहीं है, but they owe their fidelity, मतलब loyalty to the spirit of the constitution। तो courts के लिए important letters नहीं है, फिर क्या important है? स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्ट्स। एक और जजमेंट है IR कोहलो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हेल्ड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इज बेसिकली अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पावर ऑफ द गवर्नमेंट है ना, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंसेज रखता है। कोई भी अथॉरिटी है अपनी पावर ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकती जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस वायलेट हो। नेक्स्ट जजमेंट इज एंड लास्ट जजमेंट इज अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें हेल्ड किया गया था भी कॉन्स्टिट्यूशन में देयर कैनॉट बी एनी अनगाइडेड पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अनगाइडेड पावर्स हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन आर्बिट्रेरली कुछ भी करना अलाउ करता ही नहीं है।
बिकॉज देयर आर इम्प्लाइड गाइडलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो इम्प्लाइड गाइडलाइंस क्या हैं? जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमेशा स्टेट एक्शन पे एज अ रिस्ट्रिक्शन काम करेंगे. इसेंशियल प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इक्वेलिटी, तो ये हमेशा स्टेट एक्शन पे एज अ रिस्ट्रिक्शन काम करेंगे. तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, और इसेंशियल स्पिरिट क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन. ये फर्स्ट टॉपिक था. नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. पता लगता रहता है, व्यूअर्स देख रहे हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने की. थैंक यू सो मच.